साल ना वर्ल्ड कप का है और ये साल नेपाल का हो सकता है, क्योंकि दीपेंद्र सिंह एरी ने पहले ही यहाँ पे जो वर्ल्ड कप की टीम है उनको चेतावनी दे दी है कि भैया आप भले ही बांग्लादेश हो, आप भले ही श्रीलंका हो, आप भले ही साउथ अफ्रीका हो, या फिर आप भले ही नेदरलैंड हो, अगर हम अपने फुल पोटेंशियल के साथ खेले ना तो आप कहीं के नहीं रहो। ये बात ना दीपेंद्र सिंह एरी टाइगर ने कहा है नेपाल की तरफ से, और ये बात 2 दिन पहले कही गई है, लेकिन इस चीज पे मैं थोड़ा आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, तो वीडियो का एंड तक देखना, जो मेन चीज है वो आपको एंड में बताऊंगा मैं। अब देखो नेपाल क्रिकेट टीम ये साल में जिस तरीके से मैचेस खेली है, मतलब नामीबिया के अगेंस्ट, नेदरलैंड के अगेंस्ट, कनाडा के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट, आप कह सकते हो कि ग्रुप स्टेजेस में एसीसी प्रीमियर कप के वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, नेपाल क्रिकेट टीम एक अलग लेवल के कॉन्फिडेंस में। और यही चीज जब दीपेंद्र सिंह एरी से पूछी गई तो दीपेंद्र सिंह एरी भी उसी कॉन्फिडेंस में ना जवाब दिए कि हम लोग अगर अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ खेले, पूरे स्ट्रेंथ के साथ खेले, तो दुनिया की कोई भी बड़ी टीम हो, चाहे आप साउथ अफ्रीका हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या नेदरलैंड हो, आपको हम हराएंगे। और ये कहीं ना कहीं दिखती भी है। आप सबको पता होगा वेस्ट इंडीज की जब टीम आई थी, और ये वेस्ट इंडीज की टीम ना यहाँ पे छोटी मोटी टीम नहीं थी, इसकी तारीफ मैं बता रहा हूँ इंडिया के लोगों ने भी की है। इंडिया के कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने यहाँ पे बातें की है, सुरेश रैना जो इंडिया के क्रिकेटर, उन्होंने यहाँ पे बातें की है कमेंट्री के दौरान, मैं बताऊंगा आगे। लेकिन यहाँ पे वेस्ट इंडीज जब आई थी तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ आई थी, मतलब आप कह सकते हो वर्ल्ड कप में खेले हुए प्लेयर जो है वो आए थे, और ये मैं पहले बार बार कह रहा हूँ। वेस्ट इंडीज के टीम आई, नेपाल क्रिकेट टीम ने अपना पहला मैच जीत लिया, वेस्ट इंडीज का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन, वेस्ट इंडीज का कॉन्फिडेंस लेवल 100-0 ये हो गई, और नेपाल का कॉन्फिडेंस लेवल 0-100। तो आप कह सकते हो कि जब वेस्ट इंडीज की इतनी स्ट्रॉन्ग साइड टीम को हरा सकते हो, तो फिर बांग्लादेश की टीम क्या है उसके सामने? बांग्लादेश की टीम तो कुछ है ही नहीं, साउथ अफ्रीका की टीम क्या है उसके सामने? हाँ, साउथ अफ्रीका का मैंने आपको कमजोरी भी बताया कि साउथ अफ्रीका के अगर आप 5 बल्लेबाज आउट कर दो, 5 या 6 नंबर तक, उनके पास और कोई बल्लेबाज या फिर कोई मारने वाला पावर हिटर है ही नहीं। और ये चीजें मैंने 2 वर्ल्ड कप में यहाँ पे देखी है, एक नेदरलैंड के अगेंस्ट और एक नेदरलैंड के अगेंस्ट ही, 2 बार साउथ अफ्रीका जो हारी है नेदरलैंड के अगेंस्ट ही हारी, और वो भी वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि साउथ अफ्रीका की कमजोरी मैंने आपको बता दी, बांग्लादेश की कमजोरी मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ इंडिया के जो कमेंटेटर्स ने जो बातें कही थी आईपीएल में, और यहाँ पे शायद एसआरएच वर्सेस एलएचजी का मैच चल रहा था उस टाइम पे, यहाँ पे बातें चल रही थी कि आकाश चोपड़ा कह रहे थे कि वेस्ट इंडीज की टीम अभी रिसेंट नेपाल गई थी, और नेपाल में वो अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम लेके गई थी, तो नेपाल ने उनको अपना पहला मैच ही हरा दिया। और ये आप कह सकते हो तारीफ के वे में कही गई थी, बहुत ही बढ़िया बात उन्होंने कही थी। और उन्होंने कही थी कि जो टीम यहाँ पे नेपाल को कमजोर सोचने की यहाँ पे मानसिकता रखती है, वो टीम डेफिनेटली हारेगी इस वर्ल्ड कप के अंदर। और यही सेम बात यहाँ पे दीपेंद्र सिंह एरी ने इशारों इशारों में 4 टीमों को कह दिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका, ये 4ों को। पर आप कह सकते हो कि शायद इसीलिए जो है नेपाल क्रिकेट टीम कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को मात दिया, नामीबिया, नेदरलैंड जैसी टीमों को मात दिया है, प्लस यहाँ पे आप कह सकते हो वेस्ट इंडीज जैसी बड़ी टीमों को मात दिया है। इंडिया में आके इंडिया की टीमों को हरा के जाना, मतलब स्टेट टीम को हरा के जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये चीज आप कह सकते हो अलग कॉन्फिडेंस लेवल है, प्लस नेपाल क्रिकेट टीम अभी 1 महीना पहले से जो है प्रैक्टिस भी कर रही है, और प्रैक्टिस बहुत भयंकर तरीके से करे। आप कह सकते हो कि नेपाल क्रिकेट टीम जो है ना वो कल से प्रैक्टिस अपना स्टार्ट करेगी, आज जो है वहां पे मीट एंड ग्रीट था, उसको लेके प्रैक्टिस वगैरह नहीं हुई, तो कल से प्रॉपर प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पे देखी जाएगी आपको नेपाल की तरफ से, और कल से काफी मजा आने वाला है। तो दोस्तों इसको लेके आप क्या क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं जनरली जानना चाहूंगा आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। नेपाल क्रिकेट मतलब किस तरीके से यहाँ पे हराएगी ना, मैं अभी सोच के ही जो है मुझे हंसी आ रही है, मतलब भयंकर तरीके से हराएगी, क्योंकि नेपाल के पास बॉलर है, भयंकर तरीके के बॉलर सब है।